गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू द क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉय, दैट इज लेबर कॉस्ट। प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर वन ऑन पेज नंबर 304। क्वेश्चन नंबर वन ऑन पेज 304। ठीक है, पढ़ना है कि बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन पेज 304। द स्टैंडर्ड लेबर टाइम, 100% ध्यान देना है, समझ रहा है क्या? एक मिनट भी ऐसा प्रोडक्टिविटी हमारी कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, एंड इसमें आज कोई भी कंसेप्ट में नया नहीं पढ़ाऊंगा, सीधी सी बात है, प्रैक्टिस क्वेश्चन से, बट इससे कुछ फायदा तो होगा रहेगा ना, एंड फायदा होने वाला इसलिए मैं ले रहा हूं, सीधी सी बात है, अदरवाइज मैं तुम्हारा और मेरा टाइम वेस्ट नहीं करता ना। यस और नो? क्वेश्चन नंबर वन, स्टैंडर्ड लेबर टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन कंपोनेंट हैज बीन फिक्स्ड एज 4 आवर्स। तो स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ कंपोनेंट कितना है बच्चों? 4 आवर्स। एन इंसेंटिव स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस रिसेंटली टू रेज द लेबर प्रोडक्टिविटी। द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स आर एज फॉलोज। एफिशियंसी एंड इंसेंटिव एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस, इंसेंटिव एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस। तो अगर बिलो 100% रहा तो वेदर देर इज एनी इंसेंटिव? नो। 100% रहा तो 10%, मतलब 4 आवर्स पर यूनिट। यस और नो? 4 आवर्स पर यूनिट स्टैंडर्ड है ना बच्चो, एंड अबो 100% रहा तो 1% एडिशनल इंसेंटिव, समझा ना? फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी बियॉन्ड 100%, फ्रैक्शंस एक्सक्लूडेड। चलो मैं एफिशिएंसी रेशियो बताऊंगा, फिर आप बोनस बता देना, एंड बोनस विल बी परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस, मतलब बेसिक वेजेस प्लस ये परसेंटेज ऑफ बेसिक वेजेस, इतना टोटल वेजेस रहेगा। हाँ चलो बोलो, एफिशिएंसी 85%, बोनस 0%, करेक्ट और नॉट? एफिशिएंसी 97%, जीरो। कौन सा प्लान यूज कर रहे हो आप? ये जो क्वेश्चन में दिया है वो प्लान? ये इमरजेंसी प्लान है क्या? ये तो कस्टमाइज प्लान है ना, करेक्ट और नॉट? चलो एफिशिएंसी रेशियो 98%, जीरो। 100%, 10%, स्कीम ही वैसा है उनका, 99.95% एफिशिएंसी रहा तो भी बोनस ही 0%। यस और नो? बिलो 100 कोई भी नंबर ले लो, बोनस ही 0%। 100% पे बोनस इज 10% ऑफ बेसिक वेजेस। एफिशिएंसी इज 101%, बोनस 11%, 102%, 12%, 102.50%, 12%, 12%, फ्रैक्शंस एक्सक्लूडेड। यहां पे दिया है स्पेसिफिकली इमर्जेंस में, मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी रेशियो 116.33333%, 26%, बोनस विल बी 26%। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय फ्रेंड्स? हाँ चलो आगे बढ़ते। 4 वर्कर्स ए बी सी डी प्रोड्यूस्ड 16, 12, 14 and 10 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इन अ पर्टिकुलर वीक ऑफ हाउ मेनी आवर्स? 48 आवर्स। बेसिक वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स इज हाउ मच? 15 रुपीज पर आवर। तो बेसिक वेज रेट है ये। कैलकुलेट द एफिशिएंसी इंसेंटिव बोनस टोटल अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबोव 4 वर्कर्स। समझा क्या? एट द मोस्ट क्या होगा भाई, स्टूडेंट टू स्टूडेंट थोड़ा सिक्वेंस चेंज होगा, कैलकुलेशन करने का तरीका चेंज होगा, हमारा आंसर तो सेम ही रहेगा ना सबका, रहेगा कि नहीं? हाँ चलो आप गाइड करो मुझे, तुम चाहो तो क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हें सॉल्व करना ये इंटेंशन से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर वन पेज 304। हाँ चलो बोलो क्या करना है, बताओ क्या क्या फाइंड करना है बच्चों? हमें एफिशिएंसी रेशियो फाइंड करना है, इंसेंटिव, टोटल अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा टेबल में हो पाएगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि हो पाएगा। एक काम करते, चलो मैं फॉर्मेट पहले बनाता हूँ, बाद में आप कॉपी करना। ओके, तो स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ
स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, हेडिंग लिख दो मेरे साथ, बाद में टेबल फॉर्मेट मैं बनाता हूँ पहले, चलेगा ना? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, हाँ बोलो क्या क्या फाइंड करना है? एफिशिएंसी रेशो, इंसेंटिव बोनस, इंसेंटिव बोनस, देन टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग मतलब ही कंपनी के लिए टोटल लेबर कॉस्ट हुआ ना, एंड बोलो लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ हाउ मेनी वर्कर्स, फोर वर्कर्स, चारों वर्कर्स के लिए ये सब फाइंड करना है हमें, बराबर ना? कोशिश तो करते टेबल में कंप्लीट करने की, चलेगा ना? वेदर वी नो बेसिक वेज रेट पर यूनिट कितना है, वो 15 रुपीज पर आर है, कौन से स्कीम से हमें पता करना है? कस्टमाइज प्लान है ये कुछ, है ना? जैसे एमर्सन्स प्लान होता है बट परसेंटेजेस अलग है, यहाँ पे वहाँ पे प्रोपोर्शनेट बोनस होता है, बराबर है ना? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना? यहाँ पे अप टू 100% तो जीरो बोनस है, एंड 100% पे 10% है, एंड बियॉन्ड दैट फॉर एवरी 1% इन एडिशन टू 100%, 1% एडिशनल बोनस इन एक्सेस ऑफ 10%, येस और नो? चलो बोलो, एंड फ्रैक्शन शुड बी एक्सक्लूडेड बोल रहा है, मतलब अगर एफिशिएंसी समझो 112.50% रहा तो एडिशनल बोनस विल बी 12%, एंड 10% तो बोनस आई तो 22% बोनस होगा। इफ एफिशिएंसी रेशियो इज 116.66666%, एडिशनल बोनस विल बी 16 एंड 10, 26% बोनस विल बी देयर, यस और नो? हाँ चलो, फिर वर्कर पहले कंप्लीट। अभी देखो बच्चों, मुझे खुद को पता नहीं कि अब कितने कॉलम बनने वाले, सच में मुझे कैसे पता होगा आप बताओ, कोई आइडिया नहीं मुझे कितने कॉलम बनने वाले, फिर भी मुझे स्टार्ट तो करना पड़ेगा ना। हाँ वर्कर, हाँ बोलो क्या क्या दिया है, एक्चुअल आउटपुट दिया है। हाँ चलो, वर्कर के सामने पहले लिख देता हूँ मैं एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट विल बी इन यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इन यूनिट्स। अच्छा, स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट 4 है ना, तो एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा आपको। स्टैंडर्ड टाइम मतलब कैसे मिलेगा, ये एक्चुअल आउटपुट इंटू 4, एक्चुअल आउटपुट इंटू 4 आवर्स। हाँ चलो, स्टैंडर्ड टाइम लगे तो फॉर एक्चुअल आउटपुट ऐसे लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड टाइम फॉर बोलो एक्चुअल आउटपुट। अच्छा, एक्चुअल टाइम टेकन दिया है क्या वर्कर्स का, कितना है? अच्छा, तीनों का 48 आवर्स है क्या, एक्चुअल टाइम टेकन तीनों का 48 आवर्स है क्या? हाँ चलो, फिर एक्चुअल टाइम टेकन, तो स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड एंड एक्चुअल टाइम टेकन, क्या मिल जाएगा आपको? टाइम सेव्ड मिल जाएगा। अच्छा, टाइम सेव्ड की जरूरत है क्या, किसके लिए जरूरत है? इंसेंटिव, कौन सा हेल्थ से रॉन, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड ये जो बोनस है वो तो एफिशिएंसी परसेंटेज पे है, उसके लिए टाइम सेव्ड पता करने की कोई जरूरत नहीं। आपने लिखा है कंप्लीट करना है तो मैं क्लिक दूंगा, बट मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। चलो रहने देने के फिर भी, हाँ चलो रहने दो, कुछ बिगड़ता तो कुछ है नहीं उससे, टाइम सेव्ड। चलो बताओ, एफिशिएंसी रेशियो फाइंड कर दूं क्या? एफिशिएंसी रेशियो कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100। हाँ चलो, और बोलो बेसिक वेजेस, पहले बेसिक वेजेस लिख देता हूँ, चलेगा क्या? बेसिक वेजेस, हाँ फिर उसके बाद बोनस, बेसिक वेजेस उसके बाद बोलो बोनस, बेसिक वेजेस में बोनस ऐड होगा तो क्या मिल जाएगा? टोटल वेजेस, बराबर है ना? टोटल वेजेस मतलब एज गुड एज टोटल अर्निंग, टोटल वेजेस पेएबल मतलब टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर ना। एंड टेल मी माई फ्रेंड्स, ये टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, क्या मिल जाएगा? लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, समझा क्या? यस और नो? तो इतने कॉलम में आंसर हो जाएगा। आपको लगता है नहीं सर ये बहुत लेंदी हो रहा है, हम एक एक फाइंड करते, कर वैसे कर दो, पहले एक एफिशिएंसी रेशियो फाइंड करो, बाद में राइट बेसिक वेजेस फाइंड करो, बाद में बोनस अलग से फाइंड करो, ऐड करो राइट, उसके बाद लेबर कॉस्ट पर वेज फाइंड करो, समझा है क्या? मुझे लगता है कि इसमें हो जाएगा काम, हो जाएगा क्या? एंड इसमें अगर कहीं पे हमें प्रॉब्लम आया टेबल कंप्लीट करने के लिए तो वर्किंग नोट बनाएंगे, अगर बाई चांस प्रॉब्लम आया तो, यही अप्रोच होना चाहिए ना हमारा। तो लिख रहे हो क्या आप मेरे साथ फिर अभी, या पहले कंप्लीट करें, हम साथ में कंप्लीट करते, पहले लिखो ये वर्कर, देन एक्चुअल आउटपुट, देन स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल टाइम टेकन,
अब आपने बोला इसलिए टाइम से और लिखा है मैंने, बट कोई जरूरत नहीं थी. देन एफिशिएंसी रेशियो, देन बेसिक वेजेस, बोनस, देन बोलो टोटल वेजेस. टोटल वेजेस मतलब टोटल अर्निंग ना. एंड लास्ट में क्या लिख रहे बोलो, लेबर कॉस्ट पर यूनिट. लेबर कॉस्ट पर यूनिट. ऐसे ए बी सी डी लिखने की कोई जरूरत है क्या? कर देंगे ना डायरेक्टली हम लोग. क्या लिखना है? लिखना है क्या? डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन. इतना कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. तो थ्री वर्कर्स, थ्री है फोर है, फोर ए बी सी एंड डी, चार वर्कर्स है. स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी रेशियो, इंसेंटिव बोनस, बराबर है ना, टोटल अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट. टोटल अर्निंग एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फोर वर्कर्स. फॉर ईच ऑफ द फोर वर्कर्स, देर आर फोर वर्कर्स ए बी सी डी. ठीक है, हो क्या मेरे साथ कैलकुलेशन करने के लिए? फॉर्मेट बना दिया सब लोगों ने? हाँ चलो बताओ एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल आउटपुट 16 यूनिट्स. वैसे मैंने ऊपर यूनिट्स लिखा है फिर भी वापस लिख देता हूँ. 16 यूनिट्स, देन 12 यूनिट्स, 14 यूनिट्स, 10 यूनिट्स. सही है क्या बच्चों? अब बोलो स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे मिलेगा? कैन आई से इट इज एक्चुअल आउटपुट इंटू फोर आवर्स? देखो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ए ओ मतलब एक्चुअल आउटपुट इंटू फोर आवर्स. नहीं लिखा तो चलता है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा है. एक्चुअल आउटपुट इंटू फोर आवर्स. स्टैंडर्ड टाइम इज ऑलवेज सेट फॉर एक्चुअल आउटपुट. बोलो कितना है? 64 आवर्स, 48 आवर्स, 56 आवर्स एंड 40 आवर्स. एंड 40 आवर्स, सही है क्या बच्चों? ये है स्टैंडर्ड टाइम. अब बताओ एक्चुअल टाइम टेकन. एक्चुअल टाइम टेकन कितना है? 48 आवर्स. कहाँ लिखा है ये? क्वेश्चन में दिया है पक्का? एक्चुअल टाइम चारों वर्कर के लिए 48 आवर्स है. 48 आवर्स इज द एक्चुअल टाइम टेकन. चलो तो टाइम सेव्ड पता कर सकते हैं क्या हम लोग? टाइम सेव्ड पता बच्चों? टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम. फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या कुछ? बोलो फिर. 16 आवर्स, 16 आवर्स, देन कितना आवर्स? 0 आवर्स, 8 आवर्स एंड 0 आवर्स. ठीक है, 0 लिख दो या डैश कर दो. क्यों माइनस 8 क्यों नहीं? समझा ना, अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे ना यार. हो गया वो मिस्टेक पहले, बराबर ना? तो वेदर दिस इज टाइम सेव्ड. हाँ चलो अब एफिशिएंसी रेशियो बताओ. स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100. स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100. बोलो 133 1/3%, 100%. कितना? 116.66. तो इज इट 116 2/3% एंड 83.83 1/3%. मतलब 83.3333%. दिस द एफिशिएंसी रेशियो. बोर हो गया यार अब एफिशिएंसी रेशियो फाइंड कर करके. स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100. हाँ चलो बोलो बेसिक वेजेस बताओ. बेसिक वेजेस मतलब कितना रहेगा बच्चों? 48 आवर्स एट अ रेट ऑफ रुपीज कितना है पर आवर? 15. तो 48 इंटू 15 कितना रहा है? 720. चारों कॉलम में 720 ना. चारों का इंसेंटिव अलग अलग होगा ना, बट बेसिक वेजेस तो वही है क्योंकि आर्स वर्क सेम है एंड रेट पर आर भी सेम है सबका. कैसे फाइंड किया ये बेसिक वेजेस? बोलो 48 आर्स इंटू रुपीज 15 पर आर. 48 आर्स इंटू रुपीज 15 पर आर, सही है क्या? हाँ चलो फिर बोनस बताओ अभी. बोनस, अच्छा सुनो एक के काम करते, अभी हर एक केस में देखते हैं बोनस. पहला
बोलो एफिशिएंसी रेशियो इज 133.33%, तो 100 के ऊपर कितना है? 33.33 छोड़ दो अभी, फ्रैक्शंस इग्नोर्ड, 33 प्लस 10 मतलब 53%, 53% ऑफ व्हाट? अच्छा 33 है, बोनस 10 है ना यहाँ पे, समझ रहे हैं ना? अच्छा मैं 20 क्यों ऐड किया समझा ना, मेरे दिमाग में इमरजेंस प्लान था, मतलब जो मिस्टेक था, क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज प्लान है जहाँ पे 10% है बेसिक, 100% पे अचीव होती है क्या है 10 प्लस एडिशनल कितना 33 मतलब 43%, तो 43% ऑफ व्हाट? 43% ऑफ बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस कितना है 720, तो 43% ऑफ 720 बोलो 309.60, तो बोनस यहां पे रुपीज लिख देता हूं 309.60। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? हाँ चलो अब बताओ सेकंड, 100% एफिशिएंसी है तो कैन आई से बोनस विल बी 10% ऑफ 720, दैट इज 72 रुपीज बोनस, इज इट 72 रुपीज बोनस? थर्ड बोलो, इज इट 26% ऑफ 720, इज इट 26%? क्यों 26%? 116 पॉइंट, पॉइंट के आगे देखो भी मत, 16 प्लस 10, 26% ऑफ 720 कितना रहा है? 187.20 एंड लास्ट में जीरो, जीरो इज द बोनस। क्यों जीरो बोनस है? एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, एफिशिएंसी इज लेस देन 100%, समझा गया बच्चों? हाँ चलो बोलो फिर, टोटल वेजेस, टोटल वेजेस मतलब बेसिक वेजेस प्लस बोनस, एंड टोटल वेजेस मतलब ही टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर ना, टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर। हाँ बोलो कितना है टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर? कितना? 1029.60। हाँ देन 792। हाँ देन 907.20 एंड 720। डू यू एग्री? एंड टेल मी लेबर कॉस्ट पर यूनिट कैसे मिलेगा आपको? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय, बाकी छोड़ो अभी कंपनी को, तो यही लग रहा है ना कि कंपनी हैज पेड 1029.60 फॉर प्रोड्यूसिंग 16 यूनिट्स, फॉर प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी यूनिट्स? 16 यूनिट्स। व्हाट इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट? 64.35। देन 64.80 एंड 72, सो दिस इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट। मजा आया क्या फिर? समझा ये क्वेश्चन सबको? सो दिस वॉज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 304। एक टेबल में आंसर दे दिया हमने सब, ठीक है। चलो इस ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 304। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन पेज 304। पढ़ रहे क्या बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, प्लीज थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान रखो यार, एक दूसरे का मुंह बाद में देख लेना प्लीज, कंटिन्यू करना है ना। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वॉन्ट्स टू फॉर्मुलेट एन इंसेंटिव प्लान फॉर द वर्कर्स विथ अ व्यू टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी। पीस वेज रेट कितना है? 10। पीस वेज रेट मतलब क्या रहेगा? 10 रुपीज पर आर रहेगा क्या? पर यूनिट पीस रेट 10 रुपीज पर यूनिट। वीकली वर्किंग आवर्स कितना है? 40। आर्ली वेज रेट 40, सो दिस इज अ बेसिक गारंटीड वेज रेट 40 रुपीज पर आर क्या? आर्ली वेज रेट मतलब 40 रुपीज पर आर ही रहेगा शायद, आर्ली वेज रेट 40 रुपीज पर आर ही रहेगा ना। स्टैंडर्ड दैट इज नॉर्मल टाइम पर यूनिट कितना है? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स मतलब 0.25 आवर्स या 0.15 आवर्स? 0.25 आवर्स, 1/4 ऑफ एन आवर है ना ये, 0.25 आवर्स। एक्चुअल आउटपुट ऑफ फॉर द वीक, वर्कर ए एंड वर्कर बी का आउटपुट दिया हुआ है इन पीसेस। डिफरेंशियल पीस रेट इज 80% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज बिलो नॉर्मल, बिलो नॉर्मल मतलब बिलो स्टैंडर्ड, एंड 120% ऑफ द पीस रेट व्हेन आउटपुट इज अबो नॉर्मल।
करेक्ट और नॉट? अंडर हेल्सेज स्कीम वर्कर गेट्स द बोनस इक्वल टू 50% ऑफ द वेजेस ऑफ टाइम सेव्ड. कैलकुलेट अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर हेल्सेज स्कीम एंड अंडर रॉवन्स प्रीमियम स्कीम. अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड इमर्सन एफिशियंसी प्लान. अच्छा ये टेलर्स प्लान है के ऊपर. अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड इमर्सन एफिशियंसी प्लान. इमर्सन प्लान तो यूज कर सकते हैं हम लोग. अच्छा ये ऊपर जो डिफरेंशियल पीस रेट है 80% ऑफ द पीस रेट वेन आउटपुट इज बिलो नॉर्मल एंड 120% ऑफ द पीस रेट वेन आउटपुट इज अबो नॉर्मल. तो ये टेलर्स है क्या? तो हमें जो मैंने क्या बोला था आपको दिया है क्वेश्चन में, हमने जो नोट्स में पढ़ा है उस हमने कभी भी यूज करना है. बट अगर इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया तो यू हैव टू गो फॉर दैट ओनली ना. मैंने क्या बोला था आपको हेल्सेज में भी अगर वो क्वेश्चन में बोलेंगे 50% की जगह 60% ले लेना इंसेंटिव तो आपको 60% लेना पड़ेगा बोला था कि नहीं. तो उन्होंने डिफरेंशियल पीस रेट दिया है ना टेलर के लिए क्या लेना है. तो हमने जो याद किया था भूल जाओ फिर अभी वो. यस और नो? अच्छा वो कब अप्लाई करना है फिर? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड आउट द वेजेस एज पर टेलर स्कीम. करेक्ट और नॉट? अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ दिया तो उसको कभी आपको चैलेंज नहीं करना है. यस और नो? अच्छा हेल्सेज स्कीम उन्होंने अगर बोला है कि टेक 70% इंसेंटिव फॉर टाइम सेव्ड, समझाया? आप बोलोगे क्या नहीं नहीं हमारे सर ने 50% पढ़ाया है और हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसा होगा क्या? नहीं करना है क्या सॉल्व फिर? पक्का? तुम चाहो तो क्वेश्चन वापस पढ़ सकते हो. चलो करना क्या सॉल्व? करना क्या सॉल्व? क्या करेंगे पहले बोलो. अभी की डेटा लिखेंगे पहले. अच्छा की डेटा में क्या क्या फाइंड करेंगे? अच्छा आपको टाइम रेट दिया है क्या? टाइम रेट दिया है क्या? अच्छा पीस रेट भी दिया है क्या? पीस रेट कितना है? 10 रुपीज पर यूनिट. अच्छा उन्होंने सिर्फ टाइम रेट दिया होता तो पीस रेट हम अगर फाइंड करते तो 10 रुपीज पर यूनिट आता क्या? आता क्या? कैसे बताओ? आर्ली वेज रेट कितना है? 40 वेजेस पर आर इंटू स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट. सॉरी स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट करेक्ट है. स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट कितना है? 0.25. तो 40 इंटू 0.25 10 आ जाता बराबर. मतलब इन्होंने हमें दिया है पीस वेज रेट बट नहीं दिया होता तो हम फाइंड कर लेते. एंड हम फाइंड कर लेते तो भी 10 ही आने वाला था. मतलब कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है क्वेश्चन में. येस और नो? चलो फिर की डेटा में हम क्या क्या फाइंड करेंगे? टाइम सेव्ड पता कर लेंगे. टाइम सेव लगेगा ना हेल्थ के लिए. और क्या फाइंड करेंगे? एफिशिएंसी रेशियो फॉर बोथ द वर्कर्स. और कुछ चाहिए क्या? नहीं. टाइम सेव्ड फाइंड करेंगे और एफिशिएंसी रेशियो. तो राइट डाउन कितने वर्कर्स है? 2. तो राइट डाउन 1. आपने बोला की डेटा वैसे लिखना है ना. ठीक है की डेटा. अदरवाइज लिख सकते थे कैलकुलेशन ऑफ टाइम सेव्ड एंड एफिशिएंसी रेशियो. ठीक है की डेटा लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. बराबर है ना? हमें क्या क्या फाइंड करना है हर वर्कर के लिए? टाइम सेव्ड एंड एफिशिएंसी रेशियो. मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, आप खुद फाइंड करो. टेबल का क्या फॉर्मेट लेना है, कैसे करना है, तुम देखो. आएगा ना आपका आंसर? प्रेजेंटेशन अलग हुआ तो उसे कोई बात नहीं है. मुझे चाहिए टाइम सेव्ड दोनों वर्कर के लिए और एफिशिएंसी रेशियो. फोर आवर्स एंड 0 आवर्स एंड एफिशिएंसी 110% एंड 87.5%. ओके की डेटा. वर्कर्स उसके बाद में लेट अस से विल फाइंड एक्चुअल आउटपुट
एक्चुअल आउटपुट क्या पीसीएस में है ना, और क्या उसके बाद में स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड टाइम मतलब एज गुड एज टाइम अलाउड, दैट इज टाइम अलाउड, सही है ना बच्चों? अच्छा टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, टाइम टेकन तीनों दो वर्कर का सेम है या अलग अलग है? कितना है 40 आवर्स। अच्छा फिर टाइम सेव्ड लिख देता हूँ डायरेक्टली, चलेगा क्या? या चलो टाइम टेकन ऐसे भी लिख देता हूँ, तो स्टैंडर्ड टाइम हो गया, एक्चुअल टाइम भी हो गया, है कि नहीं बच्चों? बोलो टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड मिल जाएगा। उसके बाद में एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी रेशो, ठीक है? तो यू हैव टू कैलकुलेट दिस फॉर हाउ मेनी वर्कर्स, टू वर्कर्स, हाँ बोलो वर्कर ए एंड वर्कर बी, बोलो एक्चुअल आउटपुट 176 पीसेस एंड 140 पीसेस, 176 पीसेस एंड 140 पीसेस। नेक्स्ट स्टैंडर्ड टाइम 176 इंटू 15 ना, इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60, ये आवर्स में आ जाएगा, कितना 44 आवर्स, यानी द 140 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 60 कितना, इज इट 35 आवर्स। तो ये 35 आवर्स क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है, एक्चुअल टाइम 40 आवर्स, दोनों वर्कर के लिए क्या? तो टाइम सेव्ड 4 आवर्स एंड निल, डैश कर दो, समझ रहे हैं ना? एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100, इज इट 110% एंड इधर 87.50%, 87.50%, समझा के बच्चों? 87.50%, समझा क्या? फिर अभी अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर कौन सा स्कीम, हेल्से स्कीम एंड रॉवन स्कीम, और क्या बोला है? अर्निंग ऑफ द वर्कर्स बोलो अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। अच्छा बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना आपको एग्जाम में, तो एक काम कर सकते हैं इसमें, अगर बिल्कुल ये रिस्क फ्री आंसर लेना है तो हम लोग ये जो कस्टमाइज डिफरेंशियल पीस रेट उन्होंने दिया है कि नहीं वो भी करेंगे, एंड जो हमारा स्टैंडर्ड टेलर्स प्लान है उसे भी करेंगे, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्होंने जो दिया है उसे भी सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या वो बिलो स्टैंडर्ड कुछ तो है ना, बिलो स्टैंडर्ड 80%, अबो स्टैंडर्ड 120%, एंड हमारा प्लान क्या है टेलर्स का, अप टू 83, अप टू कितना क्या है बोलो, अप टू 100%, 83% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट एंड बियॉन्ड 100% और 100% और मोर 125% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, 125% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, करेक्ट और नॉट? हम लिखेंगे स्पेसिफिकली ऐसे कि एज पर द गिवन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इन द क्वेश्चन वेजेस आर लाइक दिस एंड एज पर टेलर स्कीम द वेजेस आर लाइक दिस, यस और नो? कुछ गया के दिमाग में? अच्छा बता उस केस में तुम्हारा आंसर कोई गलत करने का स्कोप ही नहीं है ना फिर तो, यस और नो? हाँ चलो बोलो फिर क्या लिखो अभी, टाइम सेव्ड हमें पता चल गया, एफिशिएंसी रेशियो भी पता चल गया, अभी क्या क्या पता करना है? अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर हेल्थ स्कीम एंड रॉवन स्कीम, तो ऐसे लिख देता हूँ चलो, टू सेकंड वर्किंग चलेगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर हेल्थ स्कीम चलेगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज एंड रॉवन एक ही हेडिंग के अंदर कर देंगे क्या? हेल्सेज कॉमा बोलो रॉवन स्कीम चलेगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम एज वेल एज रॉवन स्कीम, चलो पूछा है क्या नहीं दोनों ये बोलो? वन क्या लिखो? टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम इज इक्वल टू, टोटल वेजेस एज पर हेल्सेज स्कीम इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, आर्स वर्क्ड इंटू रेट पर आर, आर्स वर्क्ड इंटू रेट पर आर,
प्लस प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर, 50 समझा क्या बच्चों? चलो बोलो क्या लिखो, आर वर्कर ए एंड वर्कर बी के लिए ना, वर्कर ए एंड वर्कर बी, वर्कर ए के लिए बताओ आर्स वर्क कितना है, 40 आर्स, बी के लिए 40 आर्स, सेम ना, रेट पर आर कितना है, 40 रुपीज़ पर आर है क्या, इंटू रुपीज़ 40 प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड बताओ, 4 आर्स इंटू रेट पर आर 40 एंड इधर 50% ऑफ 0, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? बोलो टोटल वेजेस वर्कर ए 1680 एंड 1600, सही है, दीज आर द टोटल वेजेस अंडर हेल्सी स्कीम। कुछ तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा ना यार, इतने दिन से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आता रहेगा कि नहीं? सेकंड बोलो टोटल वेजेस अंडर रॉवन स्कीम, टोटल वेजेस एज पर रॉवन स्कीम, हाँ बोलो, आर्स वर्कड इंटू रेट पर आर, आर्स वर्कड इंटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू बेसिक वेजेस, ठीक है। तो यू कैलकुलेट दिस फॉर वर्कर ए एंड वर्कर बी, वर्कर ए एंड वर्कर बी, ठीक है। बताओ फिर वर्कर ए के लिए आर्स वर्कड 40 आर्स इंटू रुपीज 40 प्लस टाइम सेव्ड कितना है, 4 आर्स, टाइम अलाउड 44 आर्स इंटू रुपीज 1600, फाइनल आंसर 1745.4545 अप्रॉक्सीमेटली, सही है क्या? एंड वर्कर बी के लिए बोलो 40 आर्स इंटू रुपीज 40 प्लस 0, टेल मी इज इट 1600, दीज आर द टोटल वेजेस अंडर रॉवन स्कीम। तो हमने पहला वर्किंग बनाया था की डेटा एंड दूसरा में हमने ये हेल्सेज एंड रॉवन्स कंप्लीट कर दिया, ये सेकंड वर्किंग था उसके अंदर वन एंड टू था, समझा क्या? चलो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी आंसर्ड, फर्स्ट ए एंड बी दिया था उसमें से ए हमने आंसर दे दिया, बराबर है ना? बी क्या क्वेश्चन है, अर्निंग ऑफ वर्कर्स अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट एंड इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, ओके। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग और अभी थर्ड वर्किंग बनाते हैं और उसमें ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग ऑफ द वर्कर्स अंडर गिवन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, अंडर बोलो गिवन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गिवन मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो चलेगा क्या, एंड फिर टेलर्स प्लान एंड फिर इमर्सन्स प्लान अलग से सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? चलेगा क्या? इवन देखो ये जो 125% एंड ए परसेंटेजेस समटाइम्स गिवन इन डिफरेंट डिफरेंट बुक आर डिफरेंट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो वी हैव टू गो विथ जो तुम्हारे नोट्स में वो परसेंटेज के साथ कंटिन्यू करना है आपको, आप बाद में आके मुझे ये मत पूछना कि सर ये गलत है क्या वो गलत, जो आपके बुक में है वो सही है, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ चलो बोलो क्या लिखो अभी, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ बोलो टोटल वेजेस, कैलकुलेशन ऑफ बोलो टोटल वेजेस ऑफ बोथ द वर्कर्स, ऑफ बोथ बोलो वर्कर्स अंडर गिवन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, गिवन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम या पीस रेट स्कीम जो दिया है वो स्कीम से। अच्छा आपको ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट पता है क्या? पता है ना? हाँ चलो फिर बोलो टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू
डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट, यस और नो, इनटू डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट, यस और नो। हाँ चलो फिर, फॉर वर्कर ए एंड वर्कर बी, वर्कर ए के लिए बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कितना है? 176 यूनिट्स क्या? एंड बी के लिए 140 यूनिट्स या 140 पीसेस बोल सकते हो आप, ठीक है, कुछ भी लिखो चलेगा ना। इनटू डिफरेंस ऑर्डिनरी पीस रेट कितना है? ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। अच्छा वर्कर ए का एफिशिएंसी कितना है? 100 एफिशिएंसी 110% है क्या? तो अगर 110% मतलब अबो स्टैंडर्ड है, तो अबो स्टैंडर्ड पे क्या पीस रेट है? 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट। एंड वर्कर बी का एफिशिएंसी कितना है? 87, मतलब बिलो स्टैंडर्ड है ना, तो 80% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, यस और नो? कुछ गया के दिमाग में बच्चों? बोलो फिर, पहले वर्कर के लिए 2112 एंड सेकेंड 1120, दीज आर द टोटल वेजेस अंडर गिवन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। समझा क्या बच्चों? अब हम क्या लिखेंगे? अब टेलर्स और दूसरा कौन सा? इमर्सन्स प्लान, वो देखेंगे हम लोग करेक्ट और नॉट। तो क्या लिखेंगे अभी? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ बोथ द वर्कर्स अंडर, बोलो, स्टैंडर्ड टेलर्स डिफरेंशियल प्लान। अंडर कौन सा? स्टैंडर्ड मतलब समझ रहे हैं ना, जो हम पढ़े वो स्टैंडर्ड। समझा क्या? अंडर, बोलो, स्टैंडर्ड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, एंड उसके बाद इमर्सन्स का अलग से सॉल्व करेंगे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? लिखो, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ बोथ द वर्कर्स अंडर, बोलो, स्टैंडर्ड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट स्कीम। नहीं समझ रहे ना लायकों को कुछ? बराबर है ना? कौन टेलर क्या? बराबर है ना? बोलो, टोटल वेजेस, अभी फॉर्मूला वापस नहीं लिखता, चलेगा ना? लिख देता हूँ भाई, रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम्हें देख के तो डर ही लगता है। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट। तो कैलकुलेट दिस फॉर वर्कर ए एंड वर्कर बी। हाँ चलो बोलो, वर्कर ए के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 176 यूनिट्स, इधर 140 यूनिट्स, इनटू ऑर्डिनरी पीस रेट ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। अच्छा बोलो, वर्कर ए का एफिशिएंसी वाज अबोव स्टैंडर्ड, तो इट वाज 125% और मोर पे 125% एंड बिलो 100, बराबर है ना? अप टू 100% कितना होता है? 83% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, 83% ऑफ ऑर्डिनरी। अब जो सोर्स से मैंने ये क्वेश्चन लिया वहां पे उन्होंने सिर्फ वो ऊपर का जो स्कीम है वही लगाया था। समझा क्या? बट हम लोग इससे थोड़ा और मतलब क्या रिस्क ले ही नहीं रहे बिल्कुल भी, यस और नो? हमें अपना अंडरस्टैंडिंग दिखाना है भाई पेपर चेक करने वाले को, समझ रहा है क्या? हाँ बोलो, क्या आंसर है? 2200 एंड नेक्स्ट 1162। हाँ चलो नेक्स्ट, अब कौन सा बाकी है? हाँ बोलो, इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान या इमर्सन्स, हाँ इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान लिखा है उन्होंने। लिखो फिफ्थ, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ बोथ द वर्कर्स अंडर इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान, कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस ऑफ बोथ वर्कर्स अंडर इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान, लिखे क्या आप? मैं डायरेक्ट यहां पे इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान इतना ही लिखा, आप पूरा हेडिंग दे दिए ना, इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। बोलो फॉर्मूला बताओ,
टोटल वेजेस इज इक्वल टू, बोलो, आर्स वर्कड इनटू, आर्स वर्कड इनटू रेट पर आर प्लस इमर्सन्स बोनस परसेंटेज, इमर्सन्स बोलो बोनस परसेंटेज इनटू बेसिक टाइम वेजेस, ठीक है, बेसिक टाइम वेजेस ऐसे लिख देता हूं, मतलब आर्स वर्कड इनटू रेट पर आर ना, यस और नो? हाँ चलो, वर्कर ए एंड वर्कर बी के लिए हमें फाइंड करना है, वर्कर ए एंड वर्कर बी, बोलो आर्स वर्क कितना है, 40 आर्स, चलो वर्कर ए के लिए सॉल्व करते हैं अभी तो, इनटू रेट पर आर कितना है, 40 प्लस, बता वर्कर ए का एफिशिएंसी रेशियो कितना था, 110% था, तो बोनस विल बी 20% प्लस 10%, दैट इज 30% बोनस, 30% बोनस, इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान याद है क्या बच्चों, 100% अचीव होते ही 20% प्लस एडिशनल 10%, तो 30% ऑफ रुपीज 1600, तो 1600 प्लस 30% ऑफ 1600 2080, आर द टोटल वेजेस 2080, डू यू एग्री? हाँ चलो नेक्स्ट बताओ, वर्कर बी के लिए 40 आवर्स इंटू रुपीज 40, उसका एफिशिएंसी परसेंटेज कितना है, 87.50%। अच्छा सुनो, 87 अभी बोनस कितना लगेगा वो तो देखेंगे हम लोग, बट यहाँ पे 1600 पे लगेगा इतना तो क्लियर है, अब वो परसेंटेज कितना लगेगा ये जाने के लिए यहाँ पे काम कर दो, स्टार कर दो, याद है क्या आपको, एंड वो स्टार का वर्किंग नोट हम दिखा देंगे बराबर, याद है क्या, बोनस इज समवेयर बिटवीन 66 to 100, कितना है बोलो, 87.50 है कि नहीं, माइनस 66.666666, याद है क्या, इंटू 0.60, इंटू 0.60 कितना था, 12.50% बोनस मिलेगा, समझा क्या, 12.50% कैसे कैलकुलेशन किया है वो दिखाया नीचे हमने, बोनस विल चेंज इन द सेम प्रपोर्शन, करेक्ट और नॉट, एफिशिएंसी जैसे 66 टू थर्ड से 100 की तरफ जाएगी, बोनस विल वैरी फ्रॉम 0 to 20, एंड वो हमने डेरिवेशन से प्रूव किया था, याद है क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, हाँ बोलो फाइनल आंसर, इज इट 1800? आर द टोटल वेजेस अंडर कौन सा स्कीम, इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान, इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई प्रैक्टिस ले सकता हूं मैं, मेरा ये अपर लिमिट है, समझ रहा है क्या, पक्का? तो वेदर यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नंबर 2, नाउ प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना पहले, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 304, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 304, थक गए हो क्या? क्या करेंगे फिर? हाँ कुछ थक गए तो कुछ बोलो, कुछ अलग करते पढ़ाई छोड़ के, हाँ गाना गाना है, बोलो फिर कहाँ गाना है, किसको गाना है वो भी बताओ, और कहाँ का गाना है वो भी बताओ, मुझे बता देना। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 पेज 304, अ स्किल्ड वर्कर, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ स्किल्ड वर्कर इज पेड अ गारंटीड वेज रेट ऑफ रुपीज 120 पर आर, है कि नहीं बच्चों, 120 पर आर, मतलब ये बेसिक वेज रेट होगा ना, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज हाउ मच, 6 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम इज 6 आवर्स, ही टुक 5 आवर्स, मतलब 1 आवर इज द टाइम सेव्ड, करेक्ट और नॉट, एंड एफिशिएंसी रेशियो इज 120%, 6 divided by 5 into 100, स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100, सही है क्या, ही इज पेड वेजेस अंडर द रॉ वन स्कीम,
ही इज पेड द वेजेस अंडर रॉवन स्कीम. रॉवन्स का फॉर्मूला तो पता रहेगा ना. वेरी गुड. कैलकुलेट हिज इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग अंडर रॉवन स्कीम. तो इफेक्टिव वेज रेट पता हो जाएगा क्या? कैसे? टोटल वेजेस पता कर लेंगे. अच्छा, टोटल वेजेस के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? आर्स वर्क पता है क्या? है. रेट पर आर पता है क्या? है. टाइम सेव्ड पता है क्या? है. टाइम अलाउड पता है क्या? खत्म. टोटल वेजेस अंडर रॉवन स्कीम आ जाएंगे. एंड टोटल वेजेस आ जाएंगे तो इफेक्टिव वेज रेट पर आर भी आ जाएगा. तो पहले क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं. सेकेंड क्वेश्चन, इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हेल्सेज इंसेंटिव स्कीम 50%. उन्होंने नहीं बोला होता तो हम 50% ही लेने वाले थे. एंड ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग. समझा क्या? ही वॉन्ट्स टू मेंटेन द सेम वेजेस बोला क्या? नहीं, सेम इफेक्टिव रेट. मतलब पहले जितना अर्न पर आर अर्न करता था अभी भी पर आर उतना ही अर्न करना है उसको, बट अब वेजेस हेल्सेज स्कीम से मिलने वाले. येस और नो? कैलकुलेट द टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब. समझा क्या? जो पहले 5 आवर्स था अब वो क्या होना चाहिए? येस और नो? फॉर विच ही हैज टू अर्न कितना बोलो? वट एवर इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आर अंडर रॉवन स्कीम. एंड हमें वो भी फाइंड करना है, वो पहला क्वेश्चन है. एंड वो मेंटेन करने के लिए, समझ रहा है ना, वो मेंटेन करने के लिए क्या, वॉट शुड बी द टाइम टेकन इफ यू आर गेटिंग द वेजेस अंडर हेल्सेज स्कीम इज द क्वेश्चन. तुम चाहो तो क्वेश्चन वापस पढ़ सकते हो. बोलो. 4 hours 20 minutes मतलब 4.3333 hours. ओके, देखते, ठीक है, चेक करेंगे. तुम बेटा 3 आवर्स जो बता रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि उनका इफेक्टिव वेज रेट पर आर दोनों स्कीम में सेम रखना है आपको, वो सेम कुछ भी चलेगा. अभी जो है वही मेंटेन करना है अंडर हेल्थ स्कीम. समझा कि मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मैं 4.5.14 आवर्स. ठीक है, चलो देखते हैं, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे. चलो ध्यान दो बच्चों, यहां पे प्लीज 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 ध्यान दो. अच्छा, पहले क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना आपको, फिर भी हम आंसर फाइंड कर लेते हैं. क्या क्या फाइंड करना है? टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आर अंडर रॉवन स्कीम. अच्छा, आपको टाइम सेव्ड, टाइम अलाउड सब पता है ना. ओके, तो फिर भी हम लोग यहाँ पे एक बार टाइम सेव्ड लिख देते हैं, चलेगा ना? वन, बोलो, कैलकुलेशन ऑफ टाइम सेव्ड. कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, टाइम सेव्ड. अच्छा बताओ बच्चों, टाइम सेव्ड का क्या फॉर्मूला होता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन. तो टाइम अलाउड कितना है? 6 आवर्स. टाइम टेकन 5 आवर्स. तो टाइम सेव्ड इज 1 आवर. टाइम सेव्ड इज 1 आवर. ठीक है, सेकंड, वील फाइंड आउट टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आर अंडर रॉवन स्कीम. तो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, क्या लिखो बोलो, टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आर एंड इफेक्टिव वेज रेट बोलो पर आर अंडर कौन सा स्कीम? रॉवन स्कीम.
कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आर अंडर रॉवन स्कीम. चलो टोटल वेजेस इज इक्वल टू, तो ध्यान दो यहां पे अभी हम सॉल्व करने वाले हैं ना पूरा क्वेश्चन. टोटल वेजेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ. आप हर बार ये फॉर्मूला प्रॉपर प्रेजेंटेशन करते हो ना या शॉर्टकट सिर्फ. टोटल वेजेस इज इक्वल टू, हाँ बोलो, आर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आर, आर्स वर्क्ड इनटू रेट पर आर प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू बेसिक टाइम वेजेस. बराबर है ना बच्चों, दीज आर द टोटल वेजेस अंडर रॉ वन स्कीम. चलो बताओ आर्स वर्क कितना है, 5 आवर्स, रेट पर आर इज इट 120 पर आर प्लस टाइम सेव्ड बताओ 1 आवर, टाइम अलाउड 6 आवर्स इंटू ₹600, तो बोनस मिल रहा है 100 रुपीज, बेसिक वेजेस है 600, तो वेदर टोटल वेजेस आर 700, वेदर टोटल वेजेस आर 700 एंड इस स्कीम के अंदर इफेक्टिव वेज रेट पर आर कितना है वो देखते हैं. इफेक्टिव वेज रेट पर आर, इफेक्टिव वेज रेट पर आर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टोटल आर्स वर्क्ड, ये फॉर्मूला होता है ना, इज द इफेक्टिव वेज रेट पर आर. बोलो इफेक्टिव वेज रेट कितना है 700 डिवाइडेड बाय टोटल आर्स वर्क कितना है 5 आवर्स, आंसर 140 पर आर. समझा क्या, इसका मतलब अभी हमें हेल्से स्कीम में टाइम टेकन कुछ ऐसा लेना है जहां पे इफेक्टिव वेज रेट पर आर 140 आना चाहिए. क्वेश्चन पढ़ो सेकंड वापस, जोर से पढ़ो सब लोग. हाँ बोलो, इफ द वर्कर इज प्लेस्ड अंडर हेल्सेज इंसेंटिव स्कीम विद अ 50% इंसेंटिव एंड ही वॉन्ट्स टू मेंटेन सेम इफेक्टिव आर्ली रेट ऑफ अर्निंग, इसको ऑनलाइन करो. ही वॉन्ट्स टू मेंटेन क्या मेंटेन कर रहे हैं उसको, सेम इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, येस और नो. कैलकुलेट द टाइम ही शुड, बोलो टेक टाइम इन विच ही शुड कंप्लीट द जॉब, करेक्ट और नॉट, ओके. तो राइट डाउन थर्ड, राइट डाउन लेट एक्स बी, हाँ बोलो, टाइम टू बी टेकन, बराबर है ना, बाय द वर्कर. एक्स बी मतलब एक्स आर्स भी ऐसे कर देना चलेगा ना. लेट एक्स आर्स बी, एक्स आर्स में मतलब लेट एक्स आर्स बी टाइम टू बी टेकन बाय द वर्कर टू मेंटेन, टू मेंटेन, हाँ बोलो, इफेक्टिव वेज रेट ऑफ रूपी, इफेक्टिव वेज रेट ऑफ रूपी बोलो 140 पर आर, इफेक्टिव वेज रेट ऑफ रूपी 140 पर आर एंड 140 पर आर मेंटेन करने के लिए वो एक्स आर्स लेता है. उन्होंने पूछा कि हाउ मच टाइम ही शुड टेक, यस और नो. चलो अब बताओ, इफेक्टिव वेज रेट रुपीज 140 होना चाहिए, इज इक्वल टू, कैन आई से टोटल वेजेस अंडर, बोलो कौन सा स्कीम, अंडर हेल्से स्कीम, टोटल वेजेस अंडर, बोलो हेल्से स्कीम डिवाइडेड बाय आर्स वर्क, आर्स वर्क ना 140 मेंटेन करना है आपको, इससे सिंपल क्या बताओ भाई. मैं आपको 140 मेंटेन करना है, क्या मेंटेन करना है 140, टोटल वेजेस क्या नहीं, इफेक्टिव वेज रेट. तो इफेक्टिव वेज रेट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल वेजेस डिवाइड बाय आर्स वर्क. टोटल वेजेस कौन सी स्कीम के अंडर, हेल्थ स्कीम के अंडर, यस और नो. हाँ चलो 140 इज इक्वल टू, टेल मी टोटल वेजेस का फॉर्मूला बताओ. आर्स वर्क फॉर्मूला लिखते पहले, आर्स वर्क इन टू रेट पर आर प्लस कितना 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आर डिवाइडेड बाय आर्स वर्क्ड, सही है कि नहीं. हाँ चलो ये 140 लिख रहा हूं मैं, हाँ चलो बताओ अभी आर्स वर्क कितना है,
फाइव आवर्स बस हो गया, एक्स आवर्स इंटू रेट पर आवर 120, एक्स। थोड़ा सामने वाला इंसान है भाई, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी झड़क दिया, बस तुम करो सॉल्व। टाइम टेकन कितना, फाइव आवर्स, मतलब कितना इन्वॉल्वमेंट है ये समझता है ना इसमें, क्वेश्चन में कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा। टाइम टेकन हमें पता करना है, एंड अगर कोई टाइम टेकन फाइव आवर्स बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अब तुम खुद समझ लो, मतलब उसके दिमाग में क्वेश्चन कितना क्लियर है देख सकते हो ना, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए क्वेश्चन में। मैं सॉल्व करते लगता है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन में इन्वॉल्व लेकर के, नहीं लगता रहेगा तुम्हें। प्लस 50% ऑफ, बोलो टाइम सेव्ड कितना है, 6 माइनस एक्स आवर्स इंटू रेट पर आवर कितना है 120, समझता है क्या, डिवाइडेड बाय एक्स। ये सॉल्व करके एक्स लाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है यार, अभी इतने ब्रैकेट है कहां कहां है। फाइंड एक्स, दिस इज एक्स, फाइंड एक्स, दिस इज एक्स, वो तो तुम्हें सुनाई रहेगा ना, वन प्लस साइन एक्स है कि नहीं, वन प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू एन, एन कैंसल, वन प्लस सिक्स, एन एन कैंसल। कुछ लोगों को ये जोक भी नहीं समझा होगा, वो सोच रहेगा बराबर तो जोक क्या था इसमें, है ना। इज इट 140x इज इक्वल टू, हाँ बोलो, 120x प्लस 0.50 इंटू ब्रैकेट में 720 माइनस 120x, सही है क्या, 140x माइनस 120x, 20x कर देता हूं इधर, इज इक्वल टू 0.50 ब्रैकेट में, हाँ बोलो, 720 माइनस 120x, या 0.50 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे आप, कर सकते थे ना, मैं हर स्टेप लिखता हूँ भाई, रिस्क नहीं रहता कुछ भी। टेल मी, लेफ्ट हैंड साइड में 20x था, वो मैंने एज इट इज लिखा है, अब 0.50 इंटू 720 कितना आता है, 360 इज इक्वल टू 360 है कि नहीं, माइनस 60x है कि नहीं, तो टेल मी वेदर इज इट 80x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 80, 4.50 आवर्स, 4.50 आवर्स, मतलब 4 आवर्स एंड 50 मिनट्स ना, मतलब 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, बराबर है, तो 4.50 आवर्स इज अ टाइम टेकन अंडर हेल्से स्कीम इफ यू वांट टू मेंटेन द सेम इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, समझा क्या, दोनों स्कीम में सेम नहीं रखना है, जो रॉवन स्कीम में अभी है वो हेल्से स्कीम में मेंटेन करना है, समझा क्या। रॉवन स्कीम में कितना इफेक्टिव वेज रेट पर आवर 140 है कि नहीं। अच्छा काम करते, क्रॉस चेक करते हम लोग, अभी ये 4.5 आवर्स एक्चुअल टाइम लेके हम इफेक्टिव वेज रेट फाइंड करते तो 140 आना चाहिए। ओके लेट्स से क्रॉस चेक, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस चेक। देयरफॉर यहां पे एक्चुअल टाइम टू बी टेकन पहला बराबर है ना, कितना है बोलो, 4.5 आवर्स टू अर्न द सेम इफेक्टिव वेज रेट। हाँ चलो क्रॉस चेक करते, इफेक्टिव वेज रेट, इफेक्टिव बोलो वेज रेट पर आर अंडर हेल्से स्कीम, कौन सा स्कीम, हेल्से स्कीम, हाँ बोलो फटाफट। आर्स वर्क कितना है, आर्स वर्क कितना है भाई, 4.5 आवर्स इंटू रेट पर आर 120 है कि नहीं, प्लस 50% ऑफ, टाइम सेव्ड कितना है 1.5 आवर्स इंटू रेट पर आर 120 एंड दिस डिवाइडेड बाय 4.5 आवर्स, इसका आंसर 140 होना चाहिए, करो कैलसी पे,
इसका आंसर अगर 140 है तो हम करेक्ट है, करना पड़ेगा कैलकुलेशन, मैं करके दूं क्या अभी? तो वेदर इफेक्टिव वेज रेट पर आर इज रुपीज 140, इफेक्टिव वेज रेट पर आर इज रुपीज 140, समझा क्या कुछ ये? पक्का? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 305, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 305, सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, नंबर बदले मैंने सिर्फ, सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ याद आता रहेगा देखिए, आया क्या? अब उसका आंसर देखना पड़ेगा ना पहले, है ना? फिर नेक्स्ट टाइम जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका आंसर देखने का है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 305, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन पेज 305 करना है सॉल्व ये। हाँ चलो पढ़ो क्वेश्चन। मैनेजमेंट ऑफ, पढ़ रहे क्या बच्चों? जेनिथ कंपनी लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्नओवर इन देयर फैक्ट्री। प्लीज क्वेश्चन पढ़ो बच्चों। दे आर वरीड अबाउट देयर लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर पता है ना क्या होता है? लेबर टर्नओवर रेट ऑफ चेंज इन वर्क फोर्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड इज नोन एज लेबर टर्नओवर। कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर याद है क्या? अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल एंड पर्सनल। इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्नओवर याद है? इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, स्मूथ प्रोडक्शन शेड्यूल विल बी डिस्टर्ब्ड, हाई ट्रेनिंग एंड सेलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट कॉस्ट, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, मशीन ब्रेकडाउन्स, फेल्यूअर्स, करेक्ट और नॉट? देन इम्पैक्ट ऑन कस्टमर लॉयल्टी बिकॉज ऑफ सब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, एग्जिट इंटरव्यू, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट, जॉब एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, यूज ऑफ कमिटीज, इनलाइटन्ड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। याद है आपको? तो लेबर टर्नओवर तो कंपनी के लिए ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ना, तो कंपनी वांट्स टू अवॉइड, सो दिस जेनिथ कंपनी लिमिटेड का मैनेजमेंट इज वरीड अबाउट दिस लेबर टर्नओवर। बिफोर एनालाइजिंग द कॉजेस दे वांट टू हैव एन आइडिया ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर इन द लास्ट ईयर। प्रॉफिट लॉस्ट और फॉरगॉन याद है क्या? लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू 83,03,300 विद अ पीवी रेशियो ऑफ 1/5, 1/5 मतलब 20%, 1/5 मतलब 20% ना, पीवी रेशियो करेक्ट। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन इज वॉट परसेंट ऑफ सेल्स, आंसर इज पीवी रेशियो। कॉन्ट्रीब्यूशन इज वॉट परसेंट ऑफ सेल्स, आंसर इज पीवी रेशियो। एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज एज गुड एज प्रॉफिट बिफोर यू डिडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट बिफोर यू डिडक्ट द फिक्स्ड कॉस्ट। याद रखो फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज द प्रॉफिट। कॉन्ट्रीब्यूशन तो किसी रीजन की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना मतलब प्रॉफिट कम होना ही है, कॉन्ट्रीब्यूशन कम होना मतलब प्रॉफिट कम होना ही है, येस और नो? तो लास्ट ईयर का सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क्ड बाय द डायरेक्ट लेबर फोर्स वाज 4.45 लाख, मतलब 4,45,000 आवर्स का काम हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ डिलेज बाय पर्सनल डिपार्टमेंट इन फिलिंग अप द वैकेंसीज ड्यू टू लेबर टर्नओवर 60,000 पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स वेयर लॉस्ट, मतलब काम और भी 60,000 आवर्स का हो सकता था। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स इंक्लूडेड मतलब 4,45,000 इंक्लूडेड 30,000 आवर्स एट्रीब्यूटेबल टू, बोलो, ट्रेनिंग न्यू रिक्रूट्स आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द आवर्स वेयर अनप्रोडक्टिव। सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं? द कॉस्ट कॉन्सिक्वेंट ऑफ लेबर टर्नओवर रिवील द एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चारों का टोटल करके भी दिया इन्होंने तो अभी आप, एज्यूमिंग दैट द, बोलो, पोटेंशियल प्रोडक्शन, बोलो, लॉस्ट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर कुड हैव बीन सोल्ड एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, मतलब जो भी आर्स लूज हो गए उसमें हम प्रोडक्शन कर सकते थे और वो प्रोडक्शन के लिए डिमांड भी था, डिमांड रहेगा तभी तो हम प्रॉफिट फॉरगॉन बोलेंगे ना, येस और नो? फाइंड द प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। कितना टाइम चाहिए तुम्हें खुद सॉल्व करने के लिए?
तुम्हें खुद टाइम सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए पूरा? 5 मिनट? नहीं, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा शायद साथ में। वो प्रीवियस क्वेश्चन का जो आंसर देख रहा है ना, तुम लिख लो तुम्हारे बुक में कि तुम नालायक हो बोल के, अभी लिख लो। क्या लिखोगे? मैं नालायक हूं। एंड तुम एक टैटू बना के ले लेना, इधर इंटरमीडिएट और इधर फॉर एवर। क्या? इंटरमीडिएट फॉर एवर। कोई बोल रहा है क्या कर रहा है उसको दिखाने का, इसे इंटरमीडिएट। वो बोल रहा है कब से और कब तक। बराबर है ना? जैसे तुम्हारे कुछ दोस्त सीपीटी फॉर एवर वाले रहेगा नहीं ना उधर ही, है नहीं? आ गए सब? नहीं, कुछ रहेंगे उधर? नहीं, नो कमेंट्स। चलो मैं भी साउथ मिसाल करूँ क्या? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। मतलब मैंने पिछले जन्म में कम से कम 3-4 हज़ार भूखे लोगों को खाना खिलाया रहेगा, और इतना पुण्य मिल गया कि मुझे इस जन्म में भगवान ने तुम्हारे जैसे स्टूडेंट दिए, है ना? कम से कम 4 हज़ार लोगों को, है कि नहीं? एंड तुमने कम से कम 2-3 हज़ार लोगों का खाना छीन के खाया रहेगा, बराबर है ना? बराबर है ना? इसलिए भगवान ने तुम्हें मेरे जैसा टीचर दिया, है ना? है ना? चलो करते सॉल्व। क्या लिखो बोलो? मेरे ख्याल से वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव लेबर आर, पर बोलो प्रोडक्टिव लेबर आर। तो राइट डाउन फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर बोलो प्रोडक्टिव लेबर आर। पर लेबर आर, तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव लेबर आर फाइंड करेंगे, एंड जो भी तुम्हारे अनप्रोडक्टिव आर्स है जो प्रोडक्टिव हो सकते थे अगर आप लेबर टर्नओवर अवॉइड करते तो दैट मच इज द कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गॉन। वो तो हमारा पैसा और भी अर्निंग बढ़ सकता था ना, जो नहीं बढ़ पाया बिकॉज ऑफ लेबर टर्नओवर, तो दैट इज अ प्रॉफिट फॉर गॉन इन द लास्ट ईयर। तो राइट ऑन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव आर्स, ऑब्वियसली ये जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं फॉर द लास्ट ईयर है, बराबर ना? फॉर द लास्ट ईयर। बोलो क्या लिखो? सेल्स फॉर द लास्ट ईयर कितना है? सेल्स 83,03,300। बी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, मतलब पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है? 1/5 है ना? कैन आई से दैट इज 20%? 1/5 दैट इज 20%। तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन अर्नड इन लास्ट ईयर, कॉन्ट्रीब्यूशन अर्नड इन लास्ट ईयर कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन अर्नड इन लास्ट ईयर 16,60,660 इज कॉन्ट्रीब्यूशन अर्नड इन लास्ट ईयर। हाँ बोलो। लेबर आर्स बोलो वर्कड, बराबर है ना? इन लास्ट ईयर लेबर आर्स कितना है वो बोलो? 4,45,000 आर्स, 4,45,000 आर्स। अच्छा वो 60,000 आर्स तो लॉस्ट है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। लास्ट ईयर में काम कितने आर्स के लिए हुआ था? 4,45,000 आर्स। तो तुमने 4,45,000 आर्स काम करके इतना कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया क्या? नहीं। 4,45,000 के अंदर भी 15,000 अनप्रोडक्टिव थे, 15,000 अनप्रोडक्टिव थे। कहाँ दिया है वो? 4,45,000 में से 30,000
ट्रेनिंग के लिए थे, बट ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग में कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं, बट हाफ वेयर अनप्रोडक्टिव, हाफ में प्रोडक्शन हुआ उसमें, यस और नो? तो क्या लिखो बोलो, अनप्रोडक्टिव आर्स ऑन ट्रेनिंग, यस और नो? अनप्रोडक्टिव आर्स ऑन ट्रेनिंग इंक्लूडेड इन, इंक्लूडेड इन डी अबोव, चलेगा क्या? इंक्लूडेड इन डी अबोव, ये जो ऊपर डी है उसमें 15,000 आर्स इंक्लूडेड है, यस और नो? 15,000 आर्स, तो बोलो डी माइनस ई क्या आ जाएगा? हाँ बोलो, नेट प्रोडक्टिव आर्स, नेट प्रोडक्टिव लेबर आर्स, बराबर ना, फॉर द लास्ट ईयर, इज इट डी माइनस ई? कितना है वो? 4,30,000 आर्स, 4,30,000 आर्स, डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? तो बोलो फिर, कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव लेबर आर, पर प्रोडक्टिव लेबर आर, कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव लेबर आर, टेल मी माई फ्रेंड्स, इज इट सी डिवाइडेड बाय एफ? इज इट सी डिवाइडेड बाय एफ, यस और नो? कितना था ये? 3.8620, क्लोज टू 3.8620 इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव लेबर आर फॉर द लास्ट ईयर, 3.8620, डू यू एग्री? हाँ चलो, क्या करना है अभी? अभी प्रॉफिट फॉरगॉन ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर एक नोट बनाएंगे, अगर कैल्सिफ आंसर फाइंड करना है तो हो सकता है अभी। देखो कितने आर 60,000 गए थे ना, 60,000 प्लस 15,000 75,000 ना, 75,000 इंटू ये 3.8620 बराबर है ना, यस और नो? प्लस 189,650, प्लस 189,650, इसका जो भी आंसर है, समझा गया नहीं? कंसेप्ट समझा क्या आपको? नंबर्स क्या है वो तो आ जाएंगे अभी, समझा क्या? तो राइट ऑन सेकंड वर्किंग, कर दो ये पे चेंज, कॉन्ट्रीब्यूशन पर प्रोडक्टिव लेबर आर सी डिवाइडेड बाय एफ, वेदर इट वॉज 3.8620, फिर भी आपको राउंडिंग ऑफ का रिस्क नहीं लेना है तो एक काम कर सकते हो आप, यहां पे भले ही 3.8620 लिखा, जब भी बाद में ये मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या था, 3.8619 ऐसे कुछ था ना आपके कैलसी पे? अच्छा 20 था एग्जैक्टली, हाँ फिर छोड़ो, समझ रहा है ना? अगर एग्जैक्टली ये था तो फिर तो कोई रिस्क ही नहीं है ना, फिर अगर नहीं होता तो जनरली लिखने का वैसे, बट राइट जब बाद में कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा लेने का हो कैलसी पे, ताकि राउंडिंग और डिफरेंस मिनिमम हो जाता है। तो इज इट एग्जैक्टली 3.8620? हाँ चलो बोलो फिर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बोलो? प्रॉफिट फॉरगॉन, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ बोलो लेबर टर्नओवर, एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलो बोलो फटाफट। अच्छा इम्प्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट ऐसे फॉर्मेट ले क्या, ऐसे कुछ कंपलसरी है क्या? ऐसा कुछ नहीं। इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना, और इम्प्यूटेड और हिडन नोशनल कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट चाहो तो ब्रैकेट में दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा लिख सकते हो, दैट इज कौन सा कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोलो उसके अंदर वन, वन लिखो, ए लिखो, जो लिखना है लिखो। बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉरगॉन ऑन 60,000, हाँ बोलो, पोटेंशियली, पोटेंशियली
प्रोडक्टिव आवर्स लॉस्ट, बराबर है ना, लॉस्ट, डू यू एग्री, एज अ रिजल्ट ऑफ, एज अ रिजल्ट ऑफ, हाँ बोलो, डिलेज, बराबर है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ डिलेज, क्या दिया था, डिलेज इन फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज, बराबर है ना, मतलब लेबर टर्नओवर ही है, उसका स्पेसिफिक रीजन मैंने लिखा है, ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर लिखते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा ना, हाँ बोलो कितना ये, इज इट 60,000 आवर्स इनटू रुपीज 3.8620, 2,31,720 सेकंड, बोलो, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गॉन, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गॉन ऑन 15,000, हाँ बोलो, आर्स, हाँ बोलो, या 15,000 अनप्रोडक्टिव आर्स ऐसे लिख देता हूँ, बराबर है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर गॉन ऑन 15,000, बोलो, अनप्रोडक्टिव आर्स स्पेंट ऑन ट्रेनिंग, चलेगा ना, येस और नो, तो बोलो, इज इट 15,000 आर्स इंटू रुपीज 3.8620, आंसर 9:30, 57,930 सब टोटल कैपिटल ए, ये कैपिटल ए का टोटल बताओ आप, 289,650, एंड ये कैपिटल बी, ये मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट मतलब ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, एंड इसमें ये जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है वो कॉपी पेस्ट कर दो आप, पूरा लिख दो ना, लेकिन लिख सकते हो क्या, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, हाँ बोलो, उसके अंदर वन, सेटलमेंट कॉस्ट ड्यू टू लीविंग, बोर होता है ना वापस वापस, हम बहुत होशियार है ना, एक बार सिखाए तो कुछ बोलते नहीं है, यानी ये बार बार पढ़ाता है, प्रॉब्लम है ना, रिक्रूटमेंट कॉस्ट, बोलो 34,520, थर्ड, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट कॉस्ट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट कॉस्ट कितना है, 42,610, फोर्थ, ट्रेनिंग कॉस्ट 69,270, सब टोटल कैपिटल बी 1,89,650, 1,89,650 लिख दिया क्या आपने, 1,89,650, उसके बाद कैपिटल सी, टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर, टोटल बोलो प्रॉफिट फॉरगॉन, टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, आप मैंने मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, आप क्या लिख रहे हो बोलो, टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर, लिखा क्या आपने, ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर ऑन अकाउंट ऑफ लेबर टर्नओवर, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी कितना था, 4,79,300, टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर कितना लिया आपने बोलो, 4,79,300, 479,300, एनी डाउट माय फ्रेंड्स, 479,300 इज द टोटल प्रॉफिट फॉरगॉन इन द लास्ट ईयर,
मजा आया क्या? नहीं, इसमें मजा आने जैसा क्या है? प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 305. बहुत बुरा लग रहा है तो छोड़ दो, घर जाओ, उसमें क्या इतना. ऐश करो जियो, क्या पता है ना. ऐसे होता है ना, वी लिव ओनली वंस, लेट्स ब्रेक सम रूल्स. ऐसा होता है ना आजकल. लोग फॉरवर्ड करते एक दूसरे को, पता नहीं मौत कब आ जाए, उसके पहले जी लेते है ना. क्वेश्चन नंबर 7 ऑन पेज 305. तुम्हारे पास तो फुल फिलोसॉफी रहेगी ना, है ना. चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं, मुझे तो उतना ही आता है, तुम्हारे पास तो बहुत नॉलेज रहेगा. कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ, पूरा ध्यान दो क्वेश्चन पे, कैलकुलेट अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स ए बी एंड सी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम. ऐसा कुछ याद है क्या आपको? मेरिक सिस्टम क्या है? मेरिक सिस्टम बताओ, करो व्हाट्सएप करो मेरिक को. मेरिक सिस्टम भाई, तीन स्लैब है उसमें, है क्या? अप टू 83% ऑर्डिनरी पीस रेट, अप टू 83 मतलब 83 भी आ गए उसमें, मोर देन 83. अच्छा अप टू 83 में 83 आया क्या? नहीं आया ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मोर देन 83 एंड बोलो अप टू 100, अप टू 100, 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट एंड 100% क्रॉस होने के बाद 130% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट. मतलब 100% अगर एफिशिएंसी रेशियो रहेगा तो 110%, बट 100 से थोड़ा भी ऊपर गया एफिशिएंसी तो इट विल बी 130% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, 130% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट, मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम. ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नॉर्मल रेट पर आर कितना है बच्चों? 5.40. नॉर्मल रेट पर आर इज इट 5.40 एंड स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज 1 मिनट. मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर कितना रहेगा बोलो? 60 यूनिट्स. स्टैंडर्ड आउटपुट इन 1 आवर कितना रहेगा? 60 यूनिट्स. समझ आए क्या? चलो आउटपुट पर डे इज एज फॉलोज, वर्कर ए बी सी तीनों का आउटपुट दिया हुआ है आपको एंड वर्किंग आवर्स पर डे आर 8. मतलब आवर्स वर्कड 8 है, आवर्स वर्कड 8 ही लेना पड़ेगा ना. बोलो कैसे सॉल्व करना है? अच्छा ये मेरिक्स मतलब इसके लिए एफिशिएंसी रेशियो फाइंड करना पड़ेगा. अच्छा एफिशिएंसी रेशियो के लिए स्टैंडर्ड टाइम एक्चुअल टाइम चाहिए. एक्चुअल टाइम तो है बट स्टैंडर्ड टाइम पता करना पड़ेगा. उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए. कितना है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट? 1/60 आवर्स. 1/60 आवर्स इज अ स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ऑफ आउटपुट. और क्या पूछा है? स्ट्रेट पीस रेट भी पूछा है ना, तो यू शुड नो पीस रेट पर यूनिट ऑल्सो. तो एक काम करेंगे, पहले एक वर्किंग बनाएंगे, उसमें वी विल कैलकुलेट पीस रेट पर यूनिट एंड एफिशिएंसी रेशियो. चलेगा क्या? क्या फाइंड करेंगे? पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट पता करते हैं एंड एफिशिएंसी रेशियो. मैं वापस बता दूं, तुम क्वेश्चन पढ़ो, मुझ पे डिपेंडेंट मत रहो, अभी बहुत प्रैक्टिस हो चुका है ऑलरेडी. वे टू कैलकुलेट स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट एंड क्या फाइंड करना है? एफिशिएंसी रेशियो एंड एफिशिएंसी रेशियो. ओके चलो लिखो पहला वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ, हां बोलो, स्ट्रेट क्या पीस रेट या ऑर्डिनरी पीस रेट ऐसे बोल सकते हो आप, पर यूनिट एंड एफिशिएंसी रेशियो. अच्छा ये पूछा है क्या उन्होंने ऐसे फाइंड करो बोल के? पूछा क्या है फिर?
टोटल वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट एंड टोटल वेजेस अंडर मेरिक्स प्लान. बट मेरिक्स प्लान यूज करने के लिए वी रिक्वायर एफिशिएंसी रेशियो. एंड टू फाइंड आउट टोटल वेजेस अंडर स्टेट पीस रेट सिस्टम वी रिक्वायर स्टेट पीस रेट पर यूनिट. वी रिक्वायर स्टेट पीस रेट पर यूनिट. तो राइट डाउन उसके अंदर वन स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट. क्या फॉर्मूला है पीस रेट का? वेजेस पर आर इंटू इंटू स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट. वेजेस पर आर इंटू स्टैंडर्ड आर्स बोलो पर यूनिट. अच्छा एक ही फॉर्मूला क्या है? नहीं क्या कर सकते और? वेजेस पर आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन वन आर. अच्छा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करेंगे तो डिवाइड बाय 60 होगा एंड इंटू स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट करेंगे तो इंटू 1/60 होगा. अब डिवाइड बाय 60 होगा या इंटू 1/60 होगा यार आंसर तो वही आने वाला है ना. तो बोलो वेजेस पर आर कितना है? 5.40 पर आर इंटू स्टैंडर्ड आर्स पर यूनिट कितना है बोलो? 1/60 आर्स. स्टैंडर्ड जो टाइम है वो 1 मिनट है ना बच्चों फॉर 1 यूनिट. तो 1 मिनट मतलब कितने आर्स? 1/60 आर्स. या दूसरा क्या हो सकता था? रुपीज 5.40 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन वन आर. स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन वन आर कितना होता? 60 यूनिट्स. तो 5.40 डिवाइड बाय 60 यूनिट्स ही होता ना. बोलो क्या आंसर है? 0.09 क्या पर यूनिट? 09 ना. 0.09 पर यूनिट इज अ पीस रेट पर यूनिट. पीस रेट पर यूनिट. चलो बोलो अभी और क्या पता करना है? एफिशिएंसी रेशियो. सेकंड एफिशिएंसी रेशियो. अच्छा तीनों वर्कर का एफिशिएंसी रेशियो अलग अलग रह सकता है ना. एफिशिएंसी रेशियो तो उसके अंदर ऐसे कर देता हूं. वर्कर चलेगा क्या? वर्कर्स चलेगा क्या? हाँ फिर टेबल में सॉल्व करेंगे. बोलो वर्कर्स देन एक्चुअल आउटपुट. एक्चुअल बोलो आउटपुट. अच्छा एक्चुअल आउटपुट आएगा तो स्टैंडर्ड टाइम आएगा. स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट. स्टैंडर्ड टाइम उसके बाद एक्चुअल टाइम. अच्छा स्टैंडर्ड टाइम डिवाइड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100 विल बी एफिशिएंसी रेशियो. विल बी एफिशिएंसी रेशियो. तो कंप्लीट दिस कैलकुलेशन फॉर ऑल दिस वर्कर्स. तीन वर्कर है ना ए बी एंड सी. तो अभी हम फाइंड किए स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट एंड अभी हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं एफिशिएंसी रेशियो फॉर ऑल दिस थ्री वर्कर्स. हाँ चलो बोलो एक्चुअल आउटपुट 390 यूनिट्स. बोलो 450 यूनिट्स. 600 यूनिट्स. बोलो स्टैंडर्ड टाइम. स्टैंडर्ड टाइम कैसे मिलेगा? एक्चुअल आउटपुट इनटू 1/60 या एक्चुअल आउटपुट इनटू बोलो 1 मिनट. एक्चुअल आउटपुट इनटू 1 मिनट. 1 मिनट है ना वो मतलब स्टैंडर्ड टाइम मिनट्स में आ जाएगा. वी रिक्वायर इन आवर्स तो डिवाइड बाय 60. हम बोलो मतलब एज गुड एज अभी एक्चुअल आउटपुट इनटू 1/60 होगा. इंटू 1/60 मतलब डिवाइड बाय 60. बोलो कितना है? 6.50 आर्स. देन 7.50 आर्स. 10 आर्स. बोलो एक्चुअल टाइम 8 आर्स. 8 आर्स. तीनों वर्कर का 8 आर्स है ना एक्चुअल टाइम. एंड एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको? स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू 100. बोलो 81.25%. 93.75% and 125%. This is the efficiency ratio and 125%. समझा आपको ये? चलो आपको क्या क्या फाइंड करना है बच्चों? मेरिक्स प्लान ना और कौन सा है? स्ट्रेट पीस रेट. हाँ चलो ये फर्स्ट वर्किंग उसके अंदर 1 और 2 किया था हमने. अब लिखो सेकंड वर्किंग. कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम. चलेगा क्या? कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर बोलो
कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम. स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम मतलब क्या? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट. अच्छा, रेट पर पीस रेट पर यूनिट फाइंड किया है क्या हमने? ऑब्वियसली अभी फाइंड किया ना हमने. फर्स्ट वर्किंग में कितना है स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट? 0.09 पर यूनिट. 0.09 पर यूनिट. हाँ बोलो. अंडर स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट टोटल वेजेस का क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट या स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट. स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू स्ट्रेट पीस रेट पर यूनिट. एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर थ्री वर्कर्स. तो फॉर वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी. वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी. बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. 390 यूनिट्स. 450 यूनिट्स. 600 यूनिट्स इनटू रुपीज 0.09 पर यूनिट. इनटू रुपीज 0.09 पर यूनिट. इनटू रुपीज 0.09 पर यूनिट. एंड फाइंड आउट द टोटल वेजेस. 35.10. 40.50. 54. सही है क्या? दीज आर द टोटल वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम. समझा ना? अब क्या पता करना है? बोलो. कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम. डिफरेंशियल की जगह उन्होंने मल्टीपल बोला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरिक्स प्लान वही है. समझा ना? तो लिखो थर्ड कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस. कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, टोटल वेजेस अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम. मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम. कैलकुलेशन ऑफ टोटल वेजेस अंडर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम. क्या फॉर्मूला रहेगा टोटल वेजेस का? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट. ऐसे लिख देते हैं हम लोग. हम फॉर्मूला अपना अपना डिफरेंशियल ये भी वर्ड यूज करेंगे. चलेगा ना? टोटल वेजेस इज इक्वल टू, टोटल वेजेस इज इक्वल टू, हाँ बोलो, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट. इनटू डिफरेंशियल पीस रेट पर यूनिट. एंड यू हैव टू कैलकुलेट फॉर टू वर्कर्स या थ्री वर्कर्स. थ्री वर्कर्स, वर्कर ए, वर्कर बी एंड वर्कर सी. अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पता है क्या आपको? ऑब्वियसली पता है. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है? 390 यूनिट्स. 450 यूनिट्स. 600 यूनिट्स. अच्छा, ऑर्डिनरी पीस रेट पर यूनिट पता है क्या आपको कितना है? 0.09 पर यूनिट. बराबर है ना? एंड 0.09 पर यूनिट. डू यू एग्री? अब बोलो बच्चों, तीनों वर्कर का एफिशिएंसी आपको पता है ना? हाँ बोलो. स्कीम याद है क्या आपको? चलो मेरिक्स में एक बार स्कीम क्या होता है मुझे बताओ. डिफरेंशियल पीस रेट इज अप टू 83% ऑर्डिनरी पीस रेट, मतलब जो है वही. फिर बराबर है ना? हाँ. देन 83 to 100, मोर देन 83, बट बोलो अप टू 100, मतलब 100 और लेस. 100 और लेस. 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट. एंड बियॉन्ड दैट 130% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट. चलो बोलो, वर्कर ए का एफिशिएंसी रेशियो कितना था? 81.25%. मतलब कौन सी कैटेगरी में आ गए? हाँ बोलो, ऑर्डिनरी पीस रेट. तो इनटू क्या करूँ फिर? 0% होता है क्या? ना लाइको, 100%. अरे इनटू 100% मतलब 0.09 ही रह गया. एक काम करो, कुछ भी मत लिखो, इनटू निकाल दो उसके आगे. 0.09 पर यूनिट बस.
समझा क्या? 0.09 पर यूनिट. कुछ गया क्या दिमाग में? और नो बोनस बोल रहे 100%. अरे इंटू 100% मतलब कुछ भी नहीं, वही रहता है आंसर. करो कैसे भाई, 5 × 100% 5 रहता है, बराबर है ना? 100% ऑफ 5 इज 5, 100% ऑफ 0.09 इज 0.09. बड़ा नहीं मतलब. हाँ बोलो. वर्कर बी का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है 93.75%, तो कितना बोनस मिलेगा? 110%. तो इज इट 110%? एंड लास्ट में 130%. इज इट 130%? बोलो फिर आंसर आराम से थोड़ा. 35.10, 44.55, 70.20, 70.20. These are the total wages under Merrick's multiple piece rate system. मजा आया क्या? Please read question number 5. Question number 5 on page 304. क्वेश्चन नंबर 5 ऑन पेज 304. प्लीज थोड़ा आवाज कम रखो, नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ. ह्यूमन रिसोर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर बाय रिप्लेसमेंट मेथड एट 3% फॉर द क्वार्टर एंडेड June 2018. ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ 40 वर्कर्स वॉज मेड. फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ 40 मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट 40 है, बराबर है कि नहीं? नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग एंड एंड मतलब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है आपको. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर अंडर रिप्लेस सॉरी कौन सा सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड. सेपरेशन फ्लक्स कैसे देखते मेरा मुंह बाद में, जैसे डिपेंडेंट है जैसे अपॉइंट किया नौकर, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं मेरे पास देखते. हाँ हाँ वही ना, प्रॉब्लम पेश किया जाए. बट वो जो प्रॉब्लम पेश किया जाए, जो ऐसे बोलते ना नाच गाना डांस पेश किया जाए, वो बाद में चैन विन फेंकते पैसे फेंकते, वो तो है नहीं अपने पास. लेकिन शौक करने का तो शौक करने के लिए वो बाकी भी सब चाहिए. लेकिन तुम्हें शौक करना है बट चिंदी सब है कि नहीं? चैन विन फेंकोगे सब डुप्लीकेट है ना? क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा ये सेपरेशन मेथड से फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या नहीं है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग द पीरियड पता नहीं है, बट हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पता है. रिप्लेस पता है क्या? पता नहीं है बट हो सकते. कैसे? बाय रिप्लेसमेंट मेथड लेबर टर्नओवर रेशियो पता है ना हमें, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस पता हो सकते, बराबर है ना? तो फिर लेफ्ट कैसे पता करेंगे? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट फ्लक्स मेथड से भी फॉर्मूला में वही है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज्वाइंट, तो लेफ्ट भी पता नहीं हमें. हाँ बोलो बेटा. एक मिनट हाँ. रिप्लेसमेंट मेथड यूज करेंगे तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड आ जाएंगे. आ गए समझो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड. आगे बात करो. अच्छा चलो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस पहले फाइंड करते हैं, बाद में बात करते आगे चलेगा क्या. तो राइट डाउन 1. क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वर्किंग लेबर टर्नओवर रेशियो बाय रिप्लेसमेंट मेथड. लेबर टर्नओवर रेशियो
बाय कौन सा मेथड? रिप्लेसमेंट मेथड. बोलो क्या होता है फॉर्मूला उसका? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या क्या वर्कर्स बोला क्या उन्होंने? वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स. हाँ बोलो. रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड. बराबर है ना? ड्यूरिंग द क्वार्टर है ना ये? क्या ईयर है? क्वार्टर. ड्यूरिंग द क्वार्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑन रोल. एवरेज नंबर ऑफ बोलो वर्कर्स ऑन रोल ड्यूरिंग द क्वार्टर. ड्यूरिंग द क्वार्टर इंटू हंड्रेड. इंटू हंड्रेड. बोलो. बोलो नंबर ऑफ ये रिप्लेसमेंट मेथड से कितना है लेबर टर्नओवर रेशियो? कितना परसेंट है? 3% ना. तो एक काम करता हूँ 0.03 ले लेता हूँ. मतलब वो डिवाइड बाय 100 भी आ गया इधर. चलो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड. नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड इतना ही लिख देता हूँ अभी तो. बराबर ना? डिवाइड बाय एवरेज के लिए मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2. कितना है वो? 990 ये ओपनिंग है ना, प्लस 1010 डिवाइड बाय 2. इज इट 1000? तो 1000 इंटू 0.03 30. डेयर फोर नंबर ऑफ वर्कर्स. हाँ बोलो. रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर. रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर कितना है नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर? 30. 1000 इंटू 0.03 इज इट 30. हाँ चलो रिप्लेस्ड पता है आपको. अच्छा नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंट भी पता है आपको, 40 है. फ्रेश रिक्रूटमेंट कितना है? 40. अच्छा वो 40 में से ये 30 रिप्लेस्ड है ना, फिर तो 10 लेफ्ट. क्या टोटल ज्वाइनिंग 40 हो गए, उसमें से जो 30 है समझ रहा है ना, वो तो एग्जिस्टिंग किसी को निकाल के दूसरे को दिया था, एंड 10 जो है वो फ्रेश ज्वाइंट है. करेक्ट और नॉट? नहीं देखो क्वेश्चन पढ़ो. ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ 40 वर्कर्स वॉज मेड. तो ये फ्रेश ही 40 है ना फिर, एंड फिर रिप्लेस कितना है? 30. मतलब ज्वाइंट कितने हो जाएंगे? 70. क्वेश्चन पढ़ो भाई ठीक से, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, तुम मुझे कन्विंस करो तुम्हारा आंसर मैं मान लूंगा. समझा क्या? बोलो क्या बोल रही है? ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रेश रिक्रूटमेंट ऑफ 40 वर्कर्स वॉज मेड. फ्रेश रिक्रूटमेंट मतलब ये किसी की जगह पे नहीं था ना. हाँ बोलो. अच्छा ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? 990 प्लस जॉइंड. प्लस जॉइंड कितना है? 40. रिप्लेस का तो कोई लेन देन नहीं. प्लस जॉइन माइनस लेफ्ट, एंड लेफ्ट के अंदर ही रिप्लेस रहेंगे ना फिर. यस और नो? 40 ज्वाइन किए गए बस इतना पता है मुझे. सिर्फ इतना बताओ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जॉइंड 40 ले लू या 40 प्लस 30 70 ले लू? 40. अच्छा इसका मतलब वो 40 के अंदर ही 30 रिप्लेस भी है. हाँ यही क्वेश्चन चल रहा है फिर. समझा क्या डिबेट किस पे है? समझा क्या मुझे बताओ. नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड कितना है? 30. रिप्लेस्ड मतलब एक को निकाल दिया दूसरे को ज्वाइन करवाया, ऐसे कितने हैं? 30. एंड उन्होंने बोला है कि फ्रेश रिक्रूटमेंट वॉज 40. फ्रेश रिक्रूटमेंट वॉज 40. बोलो क्या करेंगे?
40 प्लस 30 ज्वाइन लेंगे क्या फिर? अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड 30, रिप्लेस मतलब 30 लोगों को निकाल दिया, मतलब वो लेफ्ट में भी जाएगा एंड उसकी जगह 30 आ गए, वो ज्वाइंट में भी 30 काउंट होंगे। समझा क्या आपको? रिप्लेस्ड इज अ पार्ट ऑफ लेफ्ट एज वेल एज इट इज अ पार्ट ऑफ ज्वाइंट ऑल्सो। समझा क्या? ये मेरे 30 वर्कर थे, इनको निकाल दिया मैंने, 30 नए लाए। अच्छा, ये 30 निकाल दिए, वो लेफ्ट के अंदर काउंट होंगे एंड उनकी जगह पे जो 30 आएंगे वो ज्वाइंट में भी आ जाएंगे। समझा क्या? हाँ, तो अब सवाल सिर्फ ये है कि ये फ्रेश ज्वाइंट जो 40 है उसके अंदर ये 30 है या 40 फ्रेश ज्वाइन किए गए, करेक्ट और नॉट? 40 बोलो फ्रेश ज्वाइन किए गए, आर यू गेटिंग दिस? एंड 30 रिप्लेस किए गए, तो टोटल ज्वाइन 70 हो जाएंगे फिर। तो क्या करना है मुझे बताओ। मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड फ्लक्स मेथड में लेना पड़ेगा ना। फ्लक्स मेथड का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना लो मुझे जानना पड़ेगा ना, यस और नो? प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट, हाँ जॉइंट कितना है बोलो? 40 प्लस 30 लेना पड़ेगा ना फिर, यस और नो? जॉइंट कितना लेना पड़ेगा? 70। जॉइंट कितना लेना पड़ेगा? 70, क्योंकि 40 फ्रेश ज्वाइन हो गए एंड 30 रिप्लेस किए गए, इसका मतलब वो 40 के अंदर नहीं है 30 फिर। समझा या नहीं लगे? तो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो हम नोट लिख देंगे इसका, फिर तो हमारे आंसर कोई चैलेंज ही नहीं रहेगा। समझा क्या? हाँ चलो, फिर अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट पता है ही नहीं अभी तक, उसके लिए क्या करेंगे? सुनो, वी नो ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज प्लस जॉइंट, जॉइंट में हम क्या लेंगे? 40 प्लस 30 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस, तो लेफ्ट आ जाएगा, यस और नो? तो राइट डाउन सेकेंड वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ, समझ रहे क्या बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर समझ रहे क्या? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर। अच्छा, मैं ऐसे लिख दूं क्या, आप बताओ यहां पे, प्लीज ध्यान दो बच्चों। ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स प्लस, हाँ बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो रिक्रूटेड, चलेगा क्या? रिक्रूटेड ब्रैकेट में लिखता हूँ फ्रेश, चलेगा ना? प्लस, हाँ बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड, रिप्लेस के मतलब ये एडिशन ही हुआ ना, नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो रिप्लेस्ड माइनस, हाँ बोलो, नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट। समझा क्या? नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट, कुछ गया क्या दिमाग में? लेफ्ट के अंदर रिप्लेस में भी रहेंगे फिर, अभी समझ रहा है क्या? लेफ्ट हम जान रहे, आर यू गेटिंग दिस? इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो? क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर्स, डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? हाँ चलो, ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है बोलो? 990 प्लस 40 प्लस 30 माइनस नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट इज इक्वल टू 1010। देयर फोर नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट बताओ कितना है? 50 नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर। इज इट 50 नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर? 50। अच्छा, अब बताओ सेपरेशन मेथड एंड फ्लक्स मेथड से आंसर देने के लिए हमारे पास डेटा है क्या? सेपरेशन मेथड के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट है हमारे पास, एवरेज भी है। अच्छा, फ्लक्स मेथड से आंसर देने के लिए आंसर है क्या? क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेफ्ट, लेफ्ट है क्या? 50 प्लस जॉइन, जॉइन कितना है? जॉइन कितना है? 70। जॉइन कितना है? 70। समझा क्या आपको? डिवाइड बाय एवरेज तो है हमारे पास। समझा क्या भाई? ज्वाइन के अंदर भी रिप्लेस्ड होता है और लेफ्ट के अंदर भी रिप्लेस्ड होता है। समझा? राइट डाउन। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशियोज़।
कैलकुलेशन ऑफ बोलो लेबर टर्नओवर रेशोज. कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशोज. वन कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड. कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर रेशोज बाय ऐसे कर देना, समझ रहे हैं ना, उसके अंदर और ए कर ए बी कर देता हूँ, चलेगा क्या? बाय कौन सा मेथड? सेपरेशन मेथड. कहाँ नंबर वंबर देते बैठते है ना, ऐसा स्टार करने का अगला लिख देने का है ना. बाय सेपरेशन मेथड. हाँ बोलो फॉर्मूला बताओ. नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर. नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल इनटू 100. कितना है लेफ्ट बोलो? 50. एवरेज 1000 इनटू 100. इज इट 5%? दिस इज लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर सेपरेशन मेथड. लेबर टर्नओवर रेशियो अंडर सेपरेशन मेथड. बी कौन सा मेथड? फ्लक्स मेथड. अंडर कौन सा मेथड? फ्लक्स मेथड. हाँ बोलो. नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स बोलो लेफ्ट ड्यूरिंग द क्वार्टर प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स जॉइंड ड्यूरिंग द क्वार्टर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल. एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल इनटू 100. बोलो नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट कितना है? 50. जॉइंड इज इट 40 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100. आंसर इज इट 12%? इज इट 12%? एक नोट लिख देना, नोट NOTE नोट. इट इज एज्यूम दैट थर्टी वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड या थर्टी वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर. 30 वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर आर डिफरेंट फ्रॉम 40 फ्रेश रिक्रूट्स. चलेगा ना? आर डिफरेंट फ्रॉम बोलो 40 फ्रेश रिक्रूट्स. मतलब वो 40 का पार्ट नहीं है ये 30. समझाया नहीं? 40 तो फ्रेशली ज्वाइन करवाए गए, ऊपर से 30 रिप्लेस कर दिए गए. अरे ऊपर से 30 रिप्लेस करवाए. आर नॉट द पार्ट ऑफ बोलो 40 फ्रेश रिक्रूट्स फुल स्टॉप. समझा क्या सबको ये? ऑल द क्वेश्चंस. एक क्वेश्चन इसमें से तुम सॉल्व करके आओगे कल. कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3. इट्स अगेन ऑन लेबर टर्नओवर रेशियो. करके आओगे सॉल्व? और हमारा मटेरियल का एक क्वेश्चन बाकी है एंड दोनों चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बाकी है, याद रहने दो. ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.